गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अयान पिजन। गाइज यार 3-4 दिनों से लगातार हमारी तरफ जो है बारिश पड़ रही है बिजनौर सिरकोट में। तो गाइज यार कबूतर भी बिल्कुल नहीं खोल पा रहा हूँ मैं, इसलिए गाइज व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो अभी यार गाइज मैं आया हूँ, थोड़ी थोड़ी सी रुकी है अभी बारिश, आपको दिखाता हूँ यार क्या हाल हो गया। पूरी छत बिल्कुल हरी हरी हो चुकी है, काई काई जम गई। और गाइज हर जगह की यार हालत देखो, 3-4 दिनों से गाइज यार बारिश पड़ रही है, स्कूलों की भी हमारी छुट्टी भूल गई। और यार गाइज अभी हल्की सी बारिश रुकी है, अब देखते हैं यार आज हम कबूतर अपने खोल पाते हैं या फिर नहीं, तो छत पर चलते हैं जल्दी से। अब देखते हैं यार, अगर खुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, सीधा छत पर चलते हैं गाइज, देख लेते हैं यार आज हमारे कबूतर खुल पाते हैं या फिर नहीं, कल भी नहीं खुल पाए थे गाइज। सो गाइज ये देखो फाइनली मैं छत पर आ चुका हूँ, पूरी छत गाइज आपसी भाइयों को हरी हरी चमक रही होगी, ये पूरी काई काई जम गई है। और गाइज यार हल्की हल्की सी तो रुकी है बारिश, तो बिना गाइज टाइम वेस्ट करें ना कबूतरों को खोल लेते हैं जल्दी से। सो गाइज देखो जाल वाल के मैंने कबूतर खोल दिए, चेक कर लो आप। और गाइज इधर मैंने रात कट्टा बिछा देता ताकि यार कबूतर अपने बीमार ना हो, देखो क्या हालत हो चुकी है यार। तो बस जल्दी से कबूतरों को बाहर आने देते हैं, सारे कबूतर यार बिल्कुल बुरी कंडीशन में भीगे उगे पड़े हैं, तो जब तक गाइज धूप नहीं निकलेगी ना अपने कबूतर एक भी अच्छे नहीं होएंगे। तो अभी तो थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं गाइज, इनको अभी निकलने देते हैं बाहर। आह ये देखो भाई अपने सारे कबूतर जो है बाहर निकल रहे हैं अभी, इसको भी गाइस सीधा करके रख देते हैं। ये देखो मैंने उल्टी करके रख दी थी ना इसको, कबूतर माशाल्लाह से अपने सभी जो है निकल चुके हैं, चेक कर लो आप। और गाइस ये जो हमने 50 रुपये का कबूतर ख़रीदा था इसको छोड़ देते हैं, इसकी बुरी कंडीशन हो रही है बारिश की वजह से। तो गाइस पानी तो डाल दिया मैंने, अभी इनको दाना डाल देते हैं ट्रे के अंदर। एक गाइस ट्रे रखी हुई थी अपने घर, तो इस ट्रे के अंदर हम दाना डाल रहे हैं, अपने कुछ काम की ज़्यादा है नहीं। ये रही देखो यहीं पर इसको दाना डालते हैं अपने कबूतरों को, दाना वाना खा लेंगे ये। तो गाइज़ दाना वाना जो है मैंने डाल दिया है, और गाइज़ आज हम इस पट्टी को आज़ाद करने की सोच रहे हैं। इसको गाइज़ पूरा पूरा एक हफ़्ता हो गया, और एक हफ़्ता एक दिन ज़्यादा ही हो गया गाइज़, 8 दिन इसको हो चुके हैं। हमने बोला था एक हफ़्ते के अंदर इसको आज़ाद भी कर देंगे, तो यार आज हम इसको आज़ाद करने वाले हैं, देखते हैं भाई जो भी होएगा देखा जाएगा। गाइज़ आपने आज़ाद करने की बहुत सारी वीडियो देखी होगी, बट गाइज आज हम करने वाले हैं कुछ अलग। आज हम इसको गाइज इसके पंख खोल और थोड़ा सा गाइज इसको सही करके ना आज हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, और फिर देखते हैं ये इधर को भी भाग सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, देखते हैं ये रिटर्न से अपने पास ही आती है नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम इसको उड़ाकर भी आपसी भाइयों को ज़रूर दिखाएंगे। तो जल्दी से यार इसको पकड़ते हैं और इसको यार आज़ाद कर देते हैं। ये आ गई गाइज कबूतरी हाथ में, चेक कर लो जिस भाई ने शौक नहीं करा, जिस भाई ने देखी नहीं इसको पकड़ते हुए। तो ये आ गई गाइज कबूतरी, माशाल्लाह से ये कबूतरी है, बहुत ही प्यारी कबूतरी थी ये। देखो इसकी आइस क्लियर करता हूँ मैं, फिर आप आइस देखना, ये देख चेक करो, दिखा दो भाई आइस, ये पट्टी थी। तो इसको जल्दी से आज़ाद करते हैं गाइस, इसके परवर खोलते हैं, अकेला हूँ तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा प्रॉपरली। तो गाइस मैंने पीने देखो यहाँ पर रख दिए निकाल के, और ये रही मेरे हाथ में पट्टी। तो एक बार इसको दिखा देते हैं भाई कि आपको इधर आना है, और परवर तो इसका एकदम बढ़िया है, तो इसको अब यहीं पर छोड़ देते हैं। ये गाइस ये बैठ गई, ये बैठ गई, देखते हैं भाई ये आती है या फिर निकल जाती है। यार भाई इधर बैठ गई, उड़ने वाली आई थी, तो आपको दिखाई देते हैं भाई, ये शायद आ ही जाएगी क्योंकि पीली आइस के कबूतर ना बहुत पक्के होते हैं। आजा 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 आजा, कबूतर तो देख रही है यार, ये बैठ गई यहाँ पर, इसको उड़ा देते हैं। ओह वो भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ, ये देखो ये पिजन स्टैंड पे गाइज, यार पिजन स्टैंड पर आकर बैठ गई गाइज, आपसे इतना खतरनाक सीन नहीं देखा होगा मैंने गाइज, आपसे बोल रहा पीछे से छोड़ेंगे, पीछे से छोड़ दिया, और अभी गाइज पिजन स्टैंड पर जाकर वो बैठ चुकी है। और गाइज यार आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ गाइज, हमारी तरफ लगभग यार आज तीसरा दिन है यार, एक कबूतर फिर रहा है, गुलाबी कलर उसके लगा होता है, तो रोज़ ही फिर रहा है वो, कलदुमा कबूतर है। और अभी यार उस सामने वाली सफ़ेद बिल्डिंग पर बैठा हुआ है वो, बारिश में भीगा रहता है मगर यार किसी का हाथ नहीं आता वो, और बस बिल्डिंगों पर ही बैठता है और कहीं नहीं पकड़ा जा रहा वो कबूतर। तो गाइज ये देखो ये अकेली रह गई, तो इसको मैं अभी ज़्यादा नहीं परेशान करूँगा। कबूतर अपने देखो ट्रे में दाना खा रहे हैं, और पानी वानी देखो इनको रखा हुआ है माशाल्लाह से, कबूतर अच्छे फिर रहे हैं क्योंकि यार बहुत टाइम के बाद खुले हैं, कल मैंने पूरे दिन इनको नहीं खोले थे। और जो भी कबूतर मुझे सुस्त लग रहा है मैं उनको पहले दवाई दे रहा हूँ, जैसे गाइज ये है किसी किसी कबूतर की आँख आ रही है, तो गाइज मैं उनको प्रॉपरली दवाई ज़रूर दे रहा हूँ। तो अब इसको देखते हैं भाई ये उड़ के भाग जाती है या फिर रुक जाती है, भाग जाएगी तो कोई बात नहीं, आ जाएगी तो गाइज अपना फ़ायदा ही हो जाएगा, अपनी एक कबूतरी बढ़ जाएगी गाइज। अब देखते हैं गाइज पीली आइस के बहुत पक्के होते हैं, या अपने घर ही जाएगी या तो अपने ही आ जाएगी, यहीं पर रहेगी। और इस कबूतर का गाइज कलर देखो, पिंक कलर के देखो कैसा यार, इसने कैसा स्टाइल मार रहा है ये दिखाने के लिए, ये कबूतर जो हमने परचेस करा था। तो गाइज अभी मैं इसको हल्के से उतारने की ट्राई कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको बैठे बैठे,
देखो ये ओहो भाई साहब, बिल्कुल गाइस बहुत प्यारी पंजाबन पट्टी है यार ये। आई थिंक गाइस इसके जब पर बंधे हुए थे ना, ये ऊपर नीचे बैठ जाती थी, इसलिए गाइस ये थोड़ी थोड़ी मुझे पक्की लग रही है अपने सेटअप की। ये अचानक से नहीं उड़ रही, ये पर बंधी बंधी भी ना थोड़ी मोड़ी ऊपर बैठ रही थी, इसलिए गाइस दो दो नर देखो इसको परेशान करने लगे। दो दो नर है गाइस, ये चेक कर लो भाई इसको, ये देखो कैसा गुटक रहा है नर। इसको कबूतरों के साइड को करते हैं फिर आपको दिखाते, तुम कहाँ उड़ रहे हो यार। ये देखो भाई साहब कबूतरी को गाइस आज़ाद कर दिया हमने, और मुझे यार बढ़िया कबूतरी लग रही है, पंजाबन लग रही है। ये देखो ये रही, बारिश का टाइम हो रहा है, इसको ज़्यादा नहीं परेशान कर रहा यार मैं। ये देखो गाइस अपना जंगली कबूतर आ गया जिसके हमने वीडियो बनाई थी, और डरेगा नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ गाइस, बिल्कुल नहीं डरेगा, आ जाएगा नीचे दाना वाना देख के। तो इस कबूतरी को परेशान नहीं करते हम, हट जाते बिल्कुल साइड में, कबूतरों को अपने दाना वाना चुगने देते हैं क्योंकि बारिश कभी भी गाइस पड़ सकती है। और इसके साथ देखो तीन जंगली और आ रहे थे, बट ये अपने नहीं है, जो अपना जंगली कबूतर है वो आ जाएगा गाइस अपनी छत पर ही, नीचे उतर जाएगा दाना वाना खाने लगेगा ट्रे में से। ये आ भी गया गाइस नीचे माशाल्लाह से, तो ये दाना वाना खाने लगेगा, हम साइड में हट जाते हैं गाइस। तो गाइस गुलाबी कलर वाला कबूतर भी उड़ गया और अभी इधर जा रहा है, वो इधर इधर इलाके में घूमता है, मुझे लगता है यार इधर ही है किसी का वो कबूतर। तो अभी वो इधर इधर उड़ रहा है भाई, उधर जा रहा है उस वाली बिल्डिंग पे बैठने जो पीले कलर की है ना उस पर। ये देखो ये आया या इस छत के ऊपर को, ये गाइस ये वहीं पर चला गया घूमकर। अब गाइस इधर ही आ रहा है मगर ये अपनी छत की तरफ को नहीं आता है, वो देखो ये जा रहा है, ये जा रहा गाइस, ये जा रहा, ये चला गया। अभी आपको दिखाता हूँ ये किस बिल्डिंग पर बैठेगा आपके जाके, ये किधर गया भाई। तो गाइस वो उधर ही कहीं जाकर बैठ चुका है। ये देखो गाइस अपना जंगली कबूतर, तो ये चुग रहा, बिल्कुल डर नहीं रहा है, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं डर रहा है। और इसके साथ एक और आ चुका था, वो देखो कितना डर रहा है, आप इसमें और इसमें फ़र्क देखो। देखो मैं हल्का डराऊंगा ना, ये देखो कैसे उड़ रहा है, और इसको मैं करता हूँ नहीं गाइस ये अपना कबूतर है ना इसलिए। गाइस यार अपनी पंजाबन पट्टी उड़ गई, ओ भाई यार गई, ये देखो ये आई 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 यार, यार ये उड़ गई, मुझे ध्यान नहीं था, मैं जंगली कबूतर को देख रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गाइस बैठ गई, अब नहीं जाती यार ये, अब इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा भाई, यार ये उड़ गई थी मुझसे गलती से, तो अब इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। और अपना जंगली कबूतर ये बैठा, और जो इसके साथ आया था वो वहाँ पर जाकर बैठ चुका है। तो अब यार पीछे हट जाते हैं बिल्कुल यार इनसे, दोनों जंगली कबूतर गाइस आ चुके हैं, अपना वाला नीचे बैठा है और ये दूसरा है, मुझे लगता है ये फीमेल होगी, और इससे इसने पैर लगा रखा है, बट ये बहुत ज़्यादा डरती है, ये अपना है तो ये डरता नहीं है ज़्यादातर। तो गाइस पंजाबन पट्टी वहाँ से उड़ गई, और उड़ के गाइस सीधा आ चुकी है ममती पर, और अभी यार थोड़ी थोड़ी ये डर भी रही है, तो देखते हैं यार क्या होता है बाकी। तो अभी यार ये फिर रही है। तो गाइस यार ये था हमारा ब्लॉग, अगर पसंद आया तो यार एक लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे कोई और ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।